this is line segment, and this line segment is A and B. This is A and this is B, and point P divide the line segment. Point P yahan par hai, in the ratio of K and 1. K is to 1. Point A ka coordinate hai 1 and minus 3, and point B ka coordinate hai 9 and 8. ठीक है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है. तो पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है वो कुछ एक्स और वाई की वैल्यू होगी. तो तुम एक्स और वाई की वैल्यू ले सकते हो, मगर जब एक्स और वाई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है तो इसको एच या के रख देते हैं, या रख दो एक्स वन वाई वन, है ना, क्योंकि ये पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी. तो है ना, क्योंकि एक्स वन वाई वन इज कॉन्स्टेंट. इधर राइट एक्स वन वाई वन और एच के भी लिखते हैं, मैथ्स में एक्स एच के लिखते हैं. तो दिस इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, है ना. वैसे तुम एक्स और वाई करके भी कर सकते हो, वैल्यू भी पुट कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट. तो जब भी पर्टिकुलर वैल्यू होती है राइट एक्स वन वाई वन एच के. आई एम गोइंग टू राइट एक्स वन वाई वन, हाँ एक्स वन वाई वन, उसको फिर वैल्यू को पुट कर देंगे एक्स वाई में. एक्स वन वाई वन एक्स और वाई की वैल्यूज है. सो एक्स वन के लिए क्या हो जाएगा, एक्स वन विल बी एक्स कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, के को इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स 9k उल्टा होता है. दिस इज 9k, 9k एंड 1 इंटू 1 विल बी 1, 9k प्लस 1, है ना, डिवाइडेड बाय k प्लस 1. 9k plus 1 divided by k plus 1. Similarly, you can find the value of y1, k ko udhar se multiply karenge, 8k, theek hai, aur 1 ko idhar wale se, to minus 3 y coordinate, minus 3 divided by k plus 1. Now, अब इसको पुट कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x इज 9k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 9k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1. This is 9k plus 1 minus, use the bracket sign or whatever you want, minus y is 8k minus 3. अगर तुम्हें थोड़ी सी कोई error दिखे मुझे mic on करके बता देना, ठीक है, क्योंकि इस समय मैं कहीं पे ध्यान नहीं दे रहा होता हूँ, सीधे screen पे रहता है. तो just कोई error हो तो mic on करके, message पे भी ध्यान नहीं दे रहा, mic on करके बता देना, ठीक है. Okay. 4 बाई 3 मैंने चेक किया था, नहीं किया था पता नहीं, देखते अब तो मैं कर ही दिया पूरा. सो चेक इट, दिस विल बी 2, दिस इज 2 एंड दिस विल बी 9k प्लस 1, 9k प्लस 1 माइनस 8k, k प्लस 1 को उधर ले जाएंगे, माइनस 8k माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा, है माइनस पूरा, तो 8k प्लस 3 is equal to 2k plus 2, है ना, 2k plus 2 को उधर मल्टीप्लाई किया तो 2k plus 2 हो गया. सो ये हो गया 9k minus 8k, this will be k and 1 k और इधर k बचा सिर्फ, हाँ, और 1 plus 3 is 4, 1 plus 3 is 4, k plus 4 is equal to 2k plus 2, 2k plus 2. तो the value of k will be minus, sorry, 2, हाँ, 2k उधर जाएगा, तो value of k will be 2, the value of k will be 2.